हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पूरन पोली कैसे बनाते हैं ये बनाना बताऊंगी। पूरन पोली महाराष्ट्र की फेमस रोटी है और इसको बनाना बहुत ही इजी होता है और ये बहुत ही खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। इस मैंने चने की दाल आधा कटोरी ले ली थी जो मैंने भिगो के रखी थी। मैंने इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं प्रेशर कुकर में इसको 2 सीटी आने तक पकाऊंगी। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। मैं इसमें लिया रबा आधे गिलास के करीब पानी ले लेती हूँ। चने की दाल को डाल देती हूँ और इसकी 2 सीटी आने तक इसका वेट करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सोक करके रखा था तो इसमें ज़्यादा सीटी देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये रेडी होती है तब तक हम उधर आटे को गूंथ लेते हैं। मैंने मैदा ले लिया है। मैंने मैदा आधा कटोरी के करीब लिया है। मैंने इसमें 1 चम्मच घी मिलाया है और थोड़ा और डाल देती हूँ और मैं इसे अच्छे से गूंथ लेती हूँ। हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। हमें इसे ज़्यादा सख्त नहीं, हमें थोड़ा सॉफ्ट आटा ही गूंथना है। हमारी दाल पक गई है, ये देखिए। अब मैं इसे ड्रेन कर लेती हूँ और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। हमने इसे मिक्सर में पीस लिया है, ये देखिए। मैंने कढ़ाई ले ली है। मैं अब इसका नॉब ऑन कर देती हूँ गैस का और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब 1 और 2 घी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें 1 2 बड़े चम्मच गुड़ का और ये जो मैंने दाल पीसी थी वो हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, हमें कुछ इस तरीके से इसको रेडी करना है। मैंने इसमें घी डाला था। घी डालने से ये तले से चिपकता नहीं है। हमारी चने और गुड़ की स्टफिंग ठंडी हो गई है। मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। अब हम आटा ले लेते हैं और उसे थोड़ा सा हम इसको एक पेड़ा लेते हैं और इसे इसमें आटे में डिप करके इसको कटोरी का शेप देते हैं। और इसमें हम इस गुड़ और चने दाल की दाल का स्टफिंग डाल के इसको हम एक पोटली शेप बना के इसे बंद कर लेते हैं। हमने उधर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और एक्स्ट्रा इसका निकाल के हम इसमें डाल देते हैं। हमने तवा उधर गरम होने के लिए रख दिया है। और इसे हम बेल लेते हैं। ये देखिए, तवे से धुआं उठ रहा है। मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। इसे मैं पलट लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा भी रेडी करती हूँ। सीख गया है। अब मैं इसमें घी को लगा दूँ
हमारी पूरन पोली रेडी है, ये देखिए लग रही ना बहुत ही डिलीशियस। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। जिस तरह से डिलीशियस लग रही है ये खाने में भी उतनी ही डिलीशियस होती है। तो आप ये रेसिपी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। पूरन पोली।